हेलो प्यारे मित्रों, दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 21 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में हमने कहा था कि इस वीडियो में हम लोग उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल 44 न्यूमेरिकल हैं जिसको हम लोग 11 के पैटर्न में लेकर चलेंगे, क्योंकि कम क्वेश्चन आएंगे तो उसको अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से डिटेल में समझ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा आप लोग और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि किसी धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। विद्युत प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, आपको फार्मूला थ्योरी में आपको मिला होगा। ठीक है, क्या आया था, आर बराबर हमने निकाला था रो एल अपान ए निकाला था ना। तो यहां से यदि रो, यही हमारी क्या है, प्रतिरोधकता, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, तो ये किन किन बातों पे निर्भर करती है यही हमें बताना है। तो यहां से हम इसका मान निकालें। ठीक है, इसका मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रो बराबर क्या आएगा आपका, आर इंटू ए अपान एल, यही होगा। ठीक है, यानी जो आपकी प्रतिरोधकता है वो किस पे निर्भर करेगी, एरिया पे निर्भर करेगी। ठीक है, जो आपकी प्रतिरोधकता है वह लंबाई पे निर्भर करेगी। तो ये एरिया, लंबाई, इसका प्रतिरोध, ये सब क्या है, चालक की प्रकृति तो है ना, क्या है ये, प्रकृति ही है। ठीक है, तार की क्या है, ये प्रकृति है कि उसका एरिया कैसा है, वो कितना लंबा है, उसका प्रतिरोध कितना है, इस पे जो निर्भर करती है उस चालक तार की क्या निर्भर करती है, प्रतिरोधकता। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है, इसकी लंबाई पर, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इसके पदार्थ की प्रकृति पर, उपरोक्त में से सभी। तो क्या होगा, लंबाई पे निर्भर कर ही रहा है, एरिया पे निर्भर कर ही रहा है पदार्थ के। अब जब एरिया लंबाई पे निर्भर कर तो उसकी प्रकृति पे भी निर्भर करेगा, क्योंकि प्रकृति तो है इसकी वो कैसा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका उपरोक्त यानी जो ऑप्शन ए बी सी दिया है, इन तीनों पे प्रतिरोधकता निर्भर करती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, जनरली ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उसके ऑप्शन नंबर डी ही, यानी जो उपरोक्त सभी होता है वही सही होता है, मैक्सिमम 99% चांस होता है सही होने का उसी का। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा में सही संबंध है। तो ओम के नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा है कि वी प्रोपोर्शनल आई, यही तो हमारा क्या है, ओम का नियम है, यही तो हमारा ओम का नियम है। ठीक है, यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो आर नियतांक आते हैं, तो वी बराबर आई इंटू आर हमारा फार्मूला निकल आता है। तो हमारा ओम का नियम क्या है, वी प्रोपोर्शनल आई। तो ऑप्शन इसमें से कौन मैच कर रहा है, वी प्रोपोर्शनल आई, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। ठीक है, सिंपल था। अगला बात करते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कूलाम प्रति सेकंड बराबर है, कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है, कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर है, कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर, तो आपको फार्मूला पता होगा, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी, क्यू अपान टी होता है, क्यू का मात्र क्या होता है, कूलाम, बटे का मतलब प्रति हो गया, और टी का मात्र क्या होता है, सेकेंड। तो कूलाम प्रति सेकेंड किसका मात्रक है, धारा का, धारा का हम एक शब्दों में इसका मात्रक क्या बताते हैं, एम्पियर, क्या बताते हैं, एम्पियर। तो जो कूलाम प्रति सेकेंड है ये किसके बराबर हो जाएगा, एम्पियर के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एम्पियर के बराबर। तो ऑप्शन कौन सा है करेक्ट, देखिए वोल्ट, ओम, वाट के या एम्पियर के, किसके बराबर हो जाएगा, एम्पियर के, यानी तीसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, बात समझ में आई है। आगे हम बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए क्या करें इसमें कि घरेलू परिपथ में सभी युक्तियां 220 वोल्ट पर कार्य करती हैं, इनका तात्पर्य यह है कि 220, सभी युक्तियां 220 वोल्ट पर कार्य करती हैं, इसका मतलब जितना भी इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे उसको 220 वोल्ट प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, तो आप किस क्रम में लगाएंगे, हमने बताया भी था थ्योरी में कि श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो धारा समान रहती है, वोल्टेज का बंटवारा हो जाता है, तो श्रेणी क्रम में करेंगे तो सबको तो 220 वोल्ट मिल नहीं पाएगा, क्योंकि विभवांतर बढ़ जाता है तो मिल नहीं पाएगा,
किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर नहीं बढ़ता है। ठीक है, हर युक्ति को सेम जितना वोल्टेज आएगा सबको उतना ही मिलता जाएगा। तो घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं 220 वोल्ट पे कार्य कर रहे हैं, 240 वोल्ट 200 वोल्ट कार्य करते हैं, तो उनको उतना वोल्ट आना चाहिए, विभवांतर उतना मिलना चाहिए। तो विभवांतर किस में नहीं बढ़ता है? समांतर क्रम में। इसलिए जो हम लोग घरेलू वायरिंग करते हैं वो किस क्रम में करते हैं? समांतर क्रम में करते हैं। ठीक है, तो चौथे का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? समांतर क्रम में जुड़ी होनी चाहिए, जितनी भी युक्तियां हैं वो समांतर क्रम में जुड़ी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, समांतर क्रम। समांतर क्रम, बात समझ में आई है? तो घरेलू वायरिंग हम किस क्रम में करते हैं? समांतर क्रम में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्या कह रहा है कि बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्ट मीटर 6 वोल्ट का पाठ्यांक बताता है। बैटरी से जोड़ेंगे तो 6 वोल्ट बता रहे, इसका मतलब बैटरी का विद्युत वाहक बल है। बैटरी से जोड़ेंगे तो बताएगा कि हाँ भाई बैटरी में इतना विद्युत वाहक बल है, इतना ये कार्य कर सकता है, तो हमें ई का मान दिया है। ठीक है, बैटरी से जोड़े हैं तो 6 वोल्ट का बताया, तो ये क्या है? ई का मान है। ठीक है, 6 वोल्ट करें कि पाठ्यांक दर्शाता है, जैसे बैटरी से जब लैंप जलाई जाती है, अब लैंप बैटरी से लोड जोड़ दिए हैं, एक लैंप जलाई जाती है, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 4 वोल्ट है। अब इसका मतलब यहाँ भी का मान दिया है कितना? 4 वोल्ट। ये दोनों का मात्रक सेम है, क्यों? क्योंकि क्योंकि ई और भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, इनका फॉर्मूला सेम होता है, मात्रक सेम होता है। ठीक है, करें यदि लैंप का प्रतिरोध 20 ओम हो, यानी R का मान दिया है कितना? 20 ओम हो, तो कह रहा है क्या कि बैटरी का प्रतिरोध होगा। बैटरी का प्रतिरोध मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है। आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था, क्या फार्मूला वो था? थ्योरी में वोल्ट ई और भी में संबंध हम लोगों ने निकाला था, तो आया था आई इंटू आर बराबर क्या आया था? ई माइनस भी। यहां से हमें आर का मान निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? E माइनस भी अपान आई हो जाएगा। तो चलिए पहले तो हम I निकाल लेते हैं, तो हम ओम के नियम से I निकाल सकते हैं। क्या होता है फार्मूला? ये यहीं पे रख देंगे उस फार्मूले को भी। I बराबर क्या होता है? I बराबर क्या होता है? V अपान R होता है, V अपान R। तो यहां से हम रख देंगे, तो R बराबर, देखिए थोड़ा इंक इसमें कम हो गया, इंक भर के फिर सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें देख लीजिए, इसी पर देखिए R बराबर क्या हो जाएगा? E माइनस वी अपान आई बराबर क्या होता है? वी अपान आर होता है। क्या होता है? वी अपान आर। अब सबका मान दिया, इसी में रख के सॉल्व कर दीजिए। E का मान दिया है 6 माइनस वी का मान कितना दिया है? 4 बटे में वी का मान कितना दिया है? कहाँ गया? 4। और R का मान कितना दिया है? 20। ठीक है, 20। अब देखिए यहां से कटा देंगे तो 4 × 5 = 20, 5 हो गया। ये 5 ऊपर जाके गुणा होगा, क्योंकि 1/5 बचा है, 1/5। इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2/1/5। तो इसका जाके ऊपर गुणा होगा ना, तो कितना हो जाएगा? 2 का इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। यानी जो उसका आंतरिक प्रतिरोध निकलेगा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 10 ओम का। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10 ओम का, 10 ओम का। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? 5 ओम, 15 ओम, 10 ओम, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पांचवे का सी ऑप्शन, 10 ओम। ठीक है, 10 ओम आपका यहाँ से आ जाएगा। सॉल्व समझ में आया है सॉल्यूशन? क्योंकि बटे का बटा होता है, तो ये ऊपर जाके यहाँ जैसे यहीं पे निकाले होते इस फॉर्मूले के, तो R बराबर क्या हो गया? तो इसका ऊपर जाके गुणा हुआ था, तो E माइनस वी अपान बी यहाँ पे क्या हो गया होता? R का गुणा हो गया होता, ये फार्मूला बन गया होता यहाँ से। अब यहाँ पे फिर रख के सॉल्व किए होते तो E का मान कितना है? 6, वी का मान कितना है? 4। तो 6 में से 4 घट गया होता 2। ठीक है, और 2 आर का मान कितना है? 20। तो कितना हो जाता है? 40। ठीक है, 40। और 40 में 4 से भाग करेंगे, क्योंकि वी का मान 4 है, तो 4 से भाग करेंगे तो फिर 10 वोल्ट आ जाता है, 10 ओम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? पांचवे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है उसको आप लोग टिक कर लीजिए और इतना शॉर्ट क्वेश्चन करके रख लीजिए। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें 5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रतिरोध के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए धारा में मतलब उसमें धारा प्रवाहित करनी होगी, उस धारा कितनी प्रवाहित करनी होगी, यही मान पूछा है हमसे। ठीक है, यानी देखिए हमें R1 I1 का मान दिया है कितना? 1.5 एम्पियर।
तो V1 का मान कितना दिया है, इतना धारा प्रवाहित हो रही है तो कितना वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, 5 वोल्ट का। कितना? 5 वोल्ट का। ठीक है, 5 वोल्ट का क्या हो रही है, धारा विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। कह रहा है यदि I का मान हम कितना रखें, I2 का मान हम कितना रखें कि जो V2 हो यानी जो विभवांतर हो कितना हो जाए, 2 वोल्ट हो जाए। कितना हो जाए, 2 वोल्ट है। यानी हमें I और V में रिलेशन निकालना है। तो आपको पता है कि V प्रोपोर्शनल I होता है, यानी आपको जब पता है कि जो समानुपाती का चिन्ह होता है तो हम दो वैल्यू ले, V1 और V2 ले, तो अनुपात क्या होगा, V1/V2 बराबर क्या होता है, यानी 1:2 का 1:2 ही होता है, सीधा अनुपात होता है। ठीक है, सीधा अनुपात होता है। तो यहां से हम निकालें, किसका मान निकाला हमें, I2 का ही मान निकालना है। तो मान रख देते हैं V1 का मान कितना है, 5 वोल्ट, तो हो जाएगा 5/2 कितना हो जाएगा, 2/2 बराबर। I1 का मान कितना है, 1.5/2। I2 का मान हमें निकालना है, कटाएंगे तो 5 * 3 = 15, 0.3 हो जाएगा। तो I2 बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 2 * 3 = 6, 0.6 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 0.6 एम्पियर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 6वें का 0.6 एम्पियर। देखिए ऑप्शन कौन सा दिया है, 0.6 एम्पियर, ऑप्शन नंबर B में दिया है 0.6 एम्पियर। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब समानुपात में होता है, रिलेशन समान सीधा होता है, तो हम क्या करते हैं, सीधा अनुपात निकालते हैं। दो वैल्यू V1 और V2 का निकाले, तो V1/V2 बराबर क्या निकालेंगे, I1/I2, I1/I2। यहाँ से सारी वैल्यू रख के हमें जिसका मान निकालना है निकाल लेंगे। बात समझ में आई है, तो 0.6 एम्पियर इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हुआ है, कि 0.6 एम्पियर की जब धारा प्रवाहित होगी तो उसमें कितना वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होगा, 2 वोल्ट का। बात समझ में आई है। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कि किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध 44×10⁻⁸ ओम है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का मान दिया है कितना, 44×10⁻⁸। ठीक है, मात्रक क्या होता है, तो ओम इंटू मीटर। ठीक, फिर कह रहा है कि इस धातु के 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे यानी L का मान दिया है 1 मीटर लंबे, और 1 mm व्यास वाले, व्यास दिया यानी D का मान दिया है, D का मान दिया है कितना, 1 mm, 1 mm व्यास वाले तार का प्रतिरोध होगा R का मान हमसे क्या किया है, पूछा है। ठीक है, तो हमें फार्मूला पता है, क्या पता है कि R बराबर होता है क्या, रो L अपान ए। तो हमें रो पता है, L का मान पता है, A का मान नहीं पता है ना, तो A बराबर क्या होता है आपको, तो ये पता है कि A बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो R का मान नहीं पता है, लेकिन हमें व्यास तो पता है ना, व्यास का आधा ही तो हमारे त्रिज्या होती है। तो यहाँ से हम R बराबर निकाल सकते हैं क्या, D/2। D का मान कितना है, 1 mm, 1 mm का मतलब 1×10⁻³ mm, 3 मीटर। ठीक है, अब बटे में दो, तो यहाँ से निकाल सकते हैं ये, चलो इतना ही रहने देते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं किसका, एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर। तो पाई का मान कितना है, 22/7 × आर का मान कितना है, तो 10⁻³ / 2, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो एरिया आपका निकल के कितना आ जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा आपका, तो करिए 22/7 × कितना हो जाएगा इसका, जब घात का घात होता है, घातों का गुणा हो जाता है ना, तो हो जाएगा 10⁻ कितना, −6/ कितना, इसका करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये A का मान निकल के आ गया, किसका मान, A का। अब इस फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में अब सबका वैल्यू पता हो गया हमें, रो का है, L का, A का वैल्यू पता है। अब इसी फार्मूले में रख के सॉल्व कर दीजिए, तो आपका R प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, रो का मान कितना है, 44×10⁻⁸ / L होता है ना, तो L का मान कितना है, 1 मीटर, तो 1। ठीक है, बटे में A का मान कितना है, तो 22/7×10⁻⁶ कितना, 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो हम कटा सकते हैं इसको, ये जो बटा का है इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ से, R बराबर हो जाएगा 44×10⁻⁸ ये दोनों ऊपर चला जाएगा, तो 7×4। अब बटे में क्या बचेगा, तो 22×10⁻⁶, अब 22 दुना के 44,
दो बार में कट जाएगा ये, दो बार में। अब देखिए ये 10 घात -6 है, 10 घात -8 है, तो 10 घात -6 तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, दो। कितना बचेगा, दो। अब गुणा कर दीजिए तो r बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 4 × 7 = 28, 28 × 2 कितना हो जाएगा, ये ऐसे कर दीजिए, 4 × 8 = 8, 8 × 7 = 56, यानी 56 × 10 घात -2, 10 घात -2। अब देखिए कैसे आंसर दिया है आपका, यानी इसको घटाइए, हटाइए इस दशमलव को हटा रहे, मतलब ये 10 घात को हटाते हैं तो r बराबर कितना हो जाएगा, 10 घात - में जितना चार्ज होता है दशमलव किधर आता है, बाएं साइड आता है, तो दशमलव यहाँ पे कितना घात है, दो, तो एक दो स्थान तक यहाँ पे चला आएगा, यानी 0.6 ओम का हो जाएगा। या क्या करेंगे, या यहीं से 10 घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 56/100 हो जाएगा। अब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.56, उतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ओम उसका क्या होगा, प्रतिरोध होगा, 0.56 ओम का क्या होगा, उस तार का प्रतिरोध होगा। बात समझ में आई है, पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे समझ में आया है ना, बिल्कुल सिंपल था। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सातवें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 0.56 ओम का, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा सातवें का, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। तो आठवें क्वेश्चन तो मैंने थ्योरी में इसका बता दिया था कि क्या होता है, कह रहा है कि R1 व R2 दो प्रतिरोध तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो R1 है प्रतिरोध और क्या है, R2 है, और किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए जब हम बताया था कि दो प्रतिरोध होगा, तो उसके लिए तुल्य प्रतिरोध डायरेक्ट निकाल सकते हैं, R1 × R2 / R1 + R2, ये बताया था ना, किसी फार्मूले से आप निकाल देंगे। तो देखिए ये कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन में, R1 × R2 / R1 + R2, ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। तो आठवें का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, चलिए तो नोट कर लीजिए इतना आप लोग, फिर आगे हम लोग देखते हैं आगे के सवाल को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक ही पदार्थ के बने दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात, दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात, यानी R1 संबंध है, R2 का मान दिया कितना, एक संबंध है 3, यानी R1 का मान कितना है 1 और R2 का मान कितना है 3, अनुपात यही बताता है ना। चलिए फिर कह रहा है कि तथा दोनों का प्रतिरोध परस्पर बराबर है, दोनों का जो प्रतिरोध है तारों का वो क्या है, बराबर है, यानी जो प्रतिरोध है R1 और R2 वो क्या है, आपस में बराबर है, प्रतिरोध क्या है, बराबर है। करे प्रतिरोधो सॉरी यदि पहले तार की लंबाई 3 मीटर हो, पहले तार की लंबाई 3 मीटर हो, यानी L1 बराबर 3 मीटर हो, तो कह रहा है क्या कि दूसरे तार की लंबाई होगी, यानी L2 का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि R बराबर फार्मूला क्या होता है, ρL/A, ठीक है। तो R1 के लिए क्या हो जाएगा, L1/A1 हो जाएगा, और R2 के लिए क्या हो जाएगा, ρL2/A2, यही हो जाएगा ना। तो इसका अनुपात निकाले तो हमारा R1 ठीक है संबंध है R2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी या इसका भाग वही कर दीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा L1/A1 संबंध क्या हो जाएगा L2/A2, यही हो जाएगा। अच्छा चूंकि पता है आपको R1 और R2 क्या है, आपस में बराबर हैं, तो ये आपस में बराबर हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, यानी R1 चूंकि आपको पता है R1 बराबर R2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा L1, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी L1/A1 बराबर क्या हो जाएगा L2/A2, बराबर हो जाएगा। देखिए हमें A1 का मान पता, L1 का मान पता है, A1 A2 का मान निकाल लेंगे। आपको पता है कि A बराबर क्या होता है, πr² तो हम A1 निकालें, A1 तो क्या हो जाएगा πr² ठीक है। तो r1² तो r1 का मान पता है 1 है, तो कितना हो जाएगा ये π1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। और A2 का मान निकाले तो πr² हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, πr² का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब हमें इनमें अनुपात निकालना है, यानी A1 / क्या निकालना है, A2 निकालना है, तो कितना हो जाएगा π1 / π9, तो π से π कट जाएगा,
तो कितना आ जाएगा, ए वन अपान ए टू का मान कितना आ जाएगा, एक बटा नौ, यानी ए वन का मान एक है और ए टू का मान कितना है, नौ है। अब यहाँ से रख के सॉल्व कर लेंगे, चलिए रखते हैं। एल वन का मान कितना है, तीन मीटर, ए वन का मान कितना है, एक बराबर है, एल टू का मान हमें निकालना है और ए टू का मान पता है कितना, नौ, कितना है, नौ, तो एल टू बराबर कितना हो जाएगा, त्रिय गुणा कर दीजिए न त्रि, 27 मीटर, कितना हो जाएगा 27 मीटर। बिल्कुल सिंपल था, समझ में आया है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 9 का 27 मीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 27 मीटर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बस यहीं से आप फार्मूले से ही निकाल सकते थे, आपको पता है आर वन और आर टू का मान पता है, तो ए वन और ए टू का मान निकाल सकते थे यहाँ से। अनुपात का मतलब अनुपात लगाएंगे तो जो बराबर वैल्यू होगा वो तो कट जाएगा, ठीक है। तो ए वन अपान ए टू का मान इतना, यानी ए वन बराबर इतना और ए टू बराबर इतना, आर वन बराबर इतना और आर टू बराबर इतना। तो आप क्या फार्मूला, आपको पता है आर वन आर आर बराबर होता है ये, तो आर वन आर टू बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा, अनुपात निकालेंगे तो ये कट के इतना बराबर हो जाएगा। आपको पता है कि आर वन और आर टू बराबर है, यानी दोनों का प्रतिरोध आपस में बराबर है, तो ये साइड दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होगा आपस में। यहीं से बराबर सिंबल लगा के सबका वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आइए। चलिए हम बात करते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है इसमें, कि किसी धातु के तार के पदार्थ का प्रतिरोध 6 ओम है। प्रतिरोध कितना है, 6 ओम है, आर का मान दिया कितना, 6 ओम। कह रहे यदि उसी धातु को की दुगनी लंबाई और पहले से आधी त्रिज्या की तार ली जाए तो इसका प्रतिरोध होगा, इसका प्रतिरोध होगा। तो देखिए R का मान इतना दिया है, आपको पता है फार्मूला यही, R बराबर क्या होता है, सिग्मा L अपान A, L अपान A, इतना पता है। चलिए तो हम यदि क्या करें, इसको कांस्टेंट मान ले, यानी इसको हटा दें, तो R बराबर क्या आ जाएगा, L अपान A, इसको समीकरण हम एक मान लेते हैं, ठीक है, एक। और R डैश जो हम निकाल रहे हैं, यानी जो दूसरा प्रतिरोध हम निकालें, तो कह रहा है कि तथा यदि उसी धातु की दुगनी लंबाई, लंबाई को दुगनी कर दें, यानी लंबाई कितना हो जाए, 2L हो जाए, और करे तथा पहले से आधी त्रिज्या के तार ले जाए, त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम त्रिज्या को आधा कर दे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, पाई, ठीक है, पाई, इसका मान क्या हो जाएगा, आर बाई टू का स्क्वायर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, पाई अपान पाई आर अपान फोर, ये स्क्वायर हो जाएगा इतना, ठीक है। तो जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसके जगह पे हम ए डैश, जैसे ए बराबर इतना है, जो ए डैश निकाल रहे हैं, ए डैश जो निकाल रहे हैं कितना हो जाएगा, ए डैश जो हो जाएगा, ए डैश बराबर कितना, इसके जगह पे हम ए लिख सकते हैं ना, तो ए अपान फोर हो जाएगा, ए अपान फोर, यानी पहले जो एरिया होगा उसका चौथाई भाग हो जाएगा, जो नया एरिया निकलेगा, क्यों, क्योंकि उसकी त्रिज्या आधी करेंगे तो जो उसका नया क्षेत्रफल निकलेगा वो पहले क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, एक बटा चार हो जाएगा, यानी पहले क्षेत्रफल का एक बटा चार हो जाएगा, ठीक है। तो जो ए डैश का मान निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ए अपान फोर हो जाएगा, ए अपान फोर हो जाएगा ए डैश का, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर दो, क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर दो। अब समीकरण एक में समीकरण दो से भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका R बटा में R डैश बराबर क्या हो जाएगा, L अपान A है, अब बटे में क्या है, 2L अपान 2L कहाँ गया, हाँ 2L अपान A बाई 4 है, A बाई 4 है, यही है ना। तो देखिए इसका ये बटे का बटा है तो इसमें तो जाके गुणा हो जाएगा, यानी इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा R अपान R डैश बराबर हम लिख सकते हैं क्या, इसको देखिए इसका इसमें जाके गुणा होगा, इसका इसमें जाके गुणा होगा, तो हम लिख सकते हैं L अपान A बटा में चार दुना 8L अपान A। अब देखिए A से A कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो R अपान R डैश बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा आठ, एक बटा आठ। अब आपको R का मान पता है कि जो शुरू में प्रतिरोध है आपका कितना दिया है, 6 ओम का है, कितने ओम का है, 6 ओम का है, तो 6 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो 6 बटा आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, एक बटा आठ, तो आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल देंगे तो आठ छक 48, आठ छक 48 ओम, कितना हो जाएगा 48 ओम का। तो जो नया प्रतिरोध, जो आर डैश का मान निकल के आ जाएगा
वो कितना हो जाएगा 48 ओम का। तो नौवा का सॉरी दसवा है ना, दसवें का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 48 ओम कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 48 ओम। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी आप लोगों को। आपको आर बराबर ये फार्मूला लिख लेंगे हम, आर डैश नया नया अनुपात प्रतिरोध निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी तार की लंबाई में भी वृद्धि कर रहे हैं, यानी चेंजेस कर रहे हैं, उसके क्षेत्रफल में भी चेंजेस कर रहे हैं। तो आर डैश निकालेंगे तो लंबाई को हम दोगुना कर दे रहे हैं, तो एरिया को कितना करें, तो आपका एरिया ए बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। तो ए डैश ये तो शुरू वाला होगा, इसका मान है ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, तो ए डैश कितना हो जाएगा, तो पाई त्रिज्या को आधा कर रहे ना, तो आर अपॉन टू का स्क्वायर करेंगे, तो ए डैश बराबर पाई आर स्क्वायर अपॉन फोर हो जाए। पाई आर स्क्वायर की जगह पे हम ए लिख सकते हैं, तो ए डैश बराबर ए अपॉन फोर, तो वहीं लिखें और यहाँ से कैलकुलेशन करके आपका वैल्यू आपको निकल के, ये डायरेक्ट यहाँ से फार्मूला आया होता है ये, और यहाँ पर आप मान रख के सॉल्व कर सकते थे। बात समझ में आइए, चलिएगा नोट कर लीजिएगा। हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, 11 का पैटर्न लेके चलना है हमें, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है यदि 5 प्रतिरोध जिनके मान प्रत्येक के 1/5 ओम है, यानी 5 प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 R4 R5, 5 प्रतिरोध है और पांचों का जो मान है, इन सबका जो मान है ठीक है, वो कितना है 1/5 ओम है, यानी R1 का भी मान इतना है, R2 का भी, R3 का भी, R4 का भी, R5 का भी, सबका मान कितना है 1/5 ओम है। कला श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जिनके द्वारा प्राप्त हो सकने वाला अधिकतम प्रतिरोध है, यानी हम इसको क्या किए हैं, श्रेणी क्रम में क्या कर दिए हैं, इसको ऐड कर दें। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ये है ना। तो पांचों का मान रखे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सबका तो मान सेम ही है ना, सबका मान सेम है, यानी यहाँ पे R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5 है, तो एक ही वैल्यू को 5 बार जोड़ने से बेहतर है, जितना बार जोड़ना होता है उसमें उतने से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 1/5 को ही 5 बार जोड़ना है, इससे बढ़िया हम 5 से गुणा नहीं कर देंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे ना, तो R बराबर कितना हो जाएगा 5R, तो R का मान कितना है, सॉरी 5, यहाँ पे समझिए इसका मान हम रख दे रहे हैं, कितना दिया है 1/5, यहाँ से गुणा कर देंगे तो 5×5 यानी कितना हो जाएगा 1 ओम, कितना हो जाएगा 1 ओम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका 1 ओम, 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1 ओम, नहीं तो आप इसी में रखते मान 1/5 ÷ 1/5 ÷ 1/5 ÷ 1/5 ÷ 1/5, 1, 2, 3, 4, 5 ओम जिनके मान सेम है, सेम मान होता है तो उतना से गुणा कर दीजिए, या रखना है तो देखिए सबका आधार सेम है तो आधार एलसीएम वही हो जाएगा, और ऊपर का ऊपर जुड़ जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया, 5/5 मतलब 1 ओम, 5/5 मतलब 1 ओम। बस समझ में आइए, तो ये बिल्कुल सिंपल था। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, जो इसके आगे के क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।